Hello everyone, how are you all? I hope you all are enjoying our classes and you are practicing also. मुझे आशा है आप लोग हमारे द्वारा दी गई ऑनलाइन क्लासेस का आनंद ले रहे हैं, यानी पढ़ रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं. कीप डूइंग इट बिकॉज दिस इज द वे वी हैव टू डू राइट नाउ ड्यू टू लॉकडाउन पीरियड. सो कीप डूइंग और आप सीखते रहें और बाकी बाद में जब क्लासेस शुरू होगी तब देखेंगे कि उसमें और भी क्या सुधार की आवश्यकता है. तो आज की जो क्लास मैंने रखी है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखने में बड़ा आसान सा टेंस है, आसानी है वैसे, बट इट हैज़ सम स्पेसिफिक पर्पजेस दैट वी हैव टू सी कि इसके स्पेसिफिक पर्पस क्या है. अब वैसे अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से मैं आपको एक वाक्य हिंदी में बोलूँ तो ऐसा एक वाक्य मैं लेता हूँ कि वह सवेरे से खेल रहा है. नेचुरली यू हैव टू राइट और स्पीक इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. टाइम पॉइंट ऑफ द टाइम दिया हुआ है, वहाँ से आपको वो एक्शन को दिखाना है. जब ये क्रिया बंद हो जाएगी नेचुरली देन आई हैव टू राइट इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे कि वह सवेरे से खेल रहा था. और अगर मुझे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है अजम्पशन करते हुए कि वह 10 बजे से खेल रहा होगा, देन नेचुरली मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाऊंगा तो एक स्ट्रीम लाइन ही दिखाई देती है और है भी. तो इस पर्पस के लिए तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा समझने की कोशिश करना है कि ये और भी एक बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस है. इसी पर्पस के बारे में बात करने वाले हैं कि ये यूज होता है. तो ये फ्यूचर परफेक्ट से भी थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है. कई बार फ्यूचर परफेक्ट जैसी स्थिति बन जाती है एग्जामिनेशन में और हम गलत भर के आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज क्लैरिफाई करेंगे. सो लेट्स सी एक्चुअली है क्या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. बड़ा ही अलग सा ये है थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज वैसे नॉर्मल है. तो मैंने कुछ ग्राफिक्स बना के रखे हैं आप लोगों के लिए, आई थिंक इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. अगर कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है, कंटिन्यूइंग है, अभी चल ही रहा है एंड लाइकली टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर, और लगातार वो आगे भी संभावना है कि चलता ही रहेगा. अगर ऐसी स्थिति बनती है किसी भी एक्शन की तो मैं उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करूँगा. कैसे? जैसे कि वह सवेरे से खेल रहा है, बस हो गया. अब उसने सवेरे से खेलना शुरू किया, अभी खेल ही रहा है, आगे कब तक खेलेगा आई डोंट नो. तो ऐसी सिचुएशन आ गई तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करूँगा. लेकिन सेम चीज़ है कि क्रिया पास से शुरू हुई है, कंटिन्यूइंग है, चली रही है, आगे भी चलती रहेगी. ये सिचुएशन बिल्कुल सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टाइप ही आ गई है, लेकिन मुझे कुछ कैलकुलेट करना है एक पर्टिकुलर टाइम पे. यहाँ मैंने एक टाइम ले लिया कि इस टाइम तक वो क्रिया चलते हुए कितना समय हो जाएगा, ऐसा मुझे कुछ कैलकुलेट करना है. तो मेरे को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना पड़ेगा और यही सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस टेंस का. जैसे मैं एक वाक्य बोलकर बताऊं आपको, ये पॉइंट मैं ले रहा हूं, 6 बजे तक वह 5 घंटे से खेल रहा होगा. इसका मतलब क्रिया चालू है, कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन मैंने कैलकुलेट किया है कि 6 जब बज जाएंगे तो उसको खेलते खेलते 4 या 5 घंटे जो भी मैं टाइम दे रहा हूँ ऐसा कैलकुलेट कर रहा हूँ इतना हो चुका होगा. ऐसा लगते ही मुझे फ्यूचर परफेक्ट की भी याद आ जाएगी कि फ्यूचर परफेक्ट में भी तो ऐसे होता है कि हम एक ड्यूरेशन निकालते हैं कि वो इतने बजे तक ये कर चुका होगा, लेकिन उसमें हम कंप्लीशन दिखा देते हैं, इसमें कंप्लीशन नहीं दिखाते हैं, इसमें क्रिया आगे चलती ही रहती है, बट ड्यूरेशन निकाल लेते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. एक बार और समझते हैं कि क्या फर्क है दोनों में. क्रिया पास से शुरू हुई, चल रही है, आगे चलती जा रही है. डोंट वरी अबाउट द टेंस, सिंपली यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. क्रिया पास्ट की है, शुरू हो गई है, चल रही है, आगे भी चलती रहेगी, डोंट वरी अबाउट दैट. लेकिन आपके मन में आ गया कि भाई इतने बजे तक अगर वो क्रिया चलती रहती तो कितना टाइम वो बिता चुकी होगी, या क्रिया को करते हुए कितना टाइम हो चुका होगा कंटिन्यूटी में, तो उस पॉइंट को निकालना है. तो उस पॉइंट को निकालने का मतलब क्या है, ड्यूरेशन निकालना पड़ेगा जहाँ से क्रिया शुरू हुई और कहाँ मैंने उसका रेफरेंस पॉइंट लिया है ड्यूरेशन निकालने के लिए. इस बीच की जो अवधि मैं निकालूंगा, और जब इस बीच की अवधि निकालूंगा तो मुझे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा. अभी मैं लाइव बोर्ड पे भी लिख के बताऊंगा आपको. तो मैंने ग्राफिक्स में दिखाया कि बहुत ही नज़दीक का डिफरेंस लगता है, बस जब मेरे को पॉइंट निकालना है
उसका ड्यूरेशन एक टाइम देखकर उसका ड्यूरेशन निकालना है, तो मुझे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना पड़ेगा। देखो मैंने लिख के रखा है पर्टिकुलर टाइम टू कैलकुलेट द ड्यूरेशन। तो यहाँ पर एडवर्ब्स तो नेचुरल सेंस फॉर तो है ही, जैसा हर एक परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंस फॉर, लेकिन ड्यूरेशन के लिए जनरली क्या यूज होगा, फोर का। तो फोर के साथ एक कॉम्बिनेशन बनता है बाई प्लस टाइम का। अब बाई प्लस टाइम तो अभी देखा ही है हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट में भी है, तो अब यहाँ सीखने की क्या बात है कि अगर सिर्फ बाई प्लस टाइम दिखाई देगा आपको एग्जामिनेशन में, तो आप फ्यूचर परफेक्ट से जाएंगे, उसको फ्यूचर परफेक्ट भरेंगे, यू विल फिल अप फ्यूचर परफेक्ट। अभी मैं दोनों ही करके बताऊंगा। और बाई प्लस टाइम के साथ आपको फोर भी दिखाई दे रहा है, मतलब ड्यूरेशन दिखाई दे रही है, ऐसे केस में आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्ट्रक्चर ऑलरेडी आई रिटन हियर, जस्ट सी, सब्जेक्ट एज यूजुअल, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, दिस इज द लॉन्गेस्ट ऑक्सिलरी। सो तीन तीन पार्ट दिखते हैं, विल अलग दिखता है, दिखता है, बीन दिखता है। सो लॉन्गेस्ट ऑक्सिलरी है, उसके बाद में मेन वर्ब, जैसा कि कंटिन्यूटी के लिए हमें यूज करना पड़ता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऑब्जेक्ट अगर है जोड़ते हैं, सिंस या फोर में से कोई आएगा, अगर पॉइंट ऑफ द टाइम दिखाना है तो सिंस का प्रयोग होगा, और या ड्यूरेशन दिखाना है तो फोर का होगा। तो ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है कि वो सवेरे से खेल रहा होगा, सिंपल स्ट्रक्चर में चला गया, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो दो घंटे से खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर टू आवर्स, तो सिंपल स्ट्रक्चर में हो गया। लेकिन मैं अगर ऐसी हिंदी बोलता हूँ कि 6 बजे तक वह 5 घंटों से खेल रहा होगा, तो फिर आपको बाई प्लस टाइम का भी प्रयोग करना पड़ेगा और साथ में फोर का भी प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे ही जो सिचुएशन आती है उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना पड़ता है, एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी सम एग्जांपल। सो आई नाउ रब इट ऑफ, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है अगर आपने समझ लिया है तो। और मैं आपको दो ब्लैंक्स बना के बताता हूँ और डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, इट्स नॉट सो ग्रेट डिफिकल्टी। लेट अस सी, मैंने एक ब्लैंक बनाया, फिलिंग द ब्लैंक्स में लिख देता हूँ। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको ट्रांसलेशन करने में भी फ़ायदा पहुँचाती है, और इसीलिए पर्पज़ ही है फिलिंग द ब्लैंक्स का। यू नो विच टेंस इज गोइंग टू कम इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, फॉर दैट ओनली वी हैव टू फिल अप पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इन द गैप्स। इसी सिखाने के लिए इस तरीके का एक मेथड डेवलप किया गया है, और एग्ज़ाम में इसी को पूछते हैं, और ये ट्रांसलेशन भी सिखा देता है। अभी मैं आपको एक ब्लैंक बना रहा हूं। ही ब्लैंक प्ले बाय नाउ, सपोज आई हैव गिवन दिस। नाउ नेक्स्ट ब्लैंक आई मेक लाइकवाइज, फॉर 2 hours बाय 10 o'clock। अब आप देखो दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस, वर्ब दोनों एक ही लिया, सब्जेक्ट भी एक ही लिया, ही प्ले बाय नाउ। अब तक वह खेल चुका होगा, ऐसी हिंदी निकल रही है इसकी, और यही इंडिकेटर है आपको कि बाई प्लस टाइम आ गया। टाइम कैसा भी हो, बाय नाउ, बाय इवनिंग, कुछ भी ऐसा हो, बाय कोई भी वॉच टाइम हो, कोई भी मंथ भी हो सकता है, जैसे मैंने लिख के भी रखा था बाई जैन, बाई फैब एटसेट्रा। बाई प्लस टाइम अगर कोई भी टाइम का दिख रहा है आपको, तो आपको फ्यूचर परफेक्ट बनना है, तो हियर ही विल गो विद दिस, ही विल हैव प्लेड। इसकी हिंदी निकल जाएगी कि वह खेल चुका होगा, दैट्स इट, एजम्पशन आ गया फ्यूचर परफेक्ट। नाउ हियर, अब आपको अगर सिखा दिया गया कि बाई प्लस टाइम आए तो आप फ्यूचर परफेक्ट भरेंगे, तो अगर आपने यहाँ फ्यूचर परफेक्ट भर दिया तो गलत हो जाएगा। आपको देखना होगा बड़ा ही केयरफुली कि इसके साथ में ये फोर भी है, मतलब ड्यूरेशन भी दिखा रहा है। अगर ये दोनों स्थिति आपके सामने है कि बाई प्लस टाइम भी है एंड यू हैव ड्यूरेशन ऑल्सो फोर, इन दिस केस यू हैव टू फिल अ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो व्हाट वुड बी, इट विल बी लाइकवाइज, ही विल हैव बीन प्लेइंग। तो अब इसकी क्या हिंदी बन के आ जाएगी कि वह
2 घंटे से खेल रहा होगा 10 बजे तक, मतलब खेलना शुरू कर दिया है, आपके सामने वो खेल ही रहा है, लेकिन आपका कैलकुलेशन है कि 10 बज जाएगा तब तक उसको खेलते हुए लगातार 2 घंटे हो चुके होंगे। सो आई होप 3 थिंग्स आई वॉन्टेड टू क्लैरिफाई। 1, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इन रिलेशन विथ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, बोथ आर सेम इन लुकिंग, बट जब हम ड्यूरेशन का कैलकुलेशन करेंगे फ्यूचर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से निकल कर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के ग्रुप में आ जाएगा। 1, जो चेंजेस हमने सीखा। 2, अगर सिंपली बाई प्लस टाइम दिया हुआ है तो वी हैव टू गो विद द फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि कंप्लीशन दिखा रहे हैं कि उतने बजे तक वो काम खत्म हो चुका होगा। 3rd केस जो मैंने कहा कि अगर बाई प्लस टाइम है, मतलब वो ड्यूरेशन का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ले रहे हैं कैलकुलेशन, और साथ में ड्यूरेशन के लिए जो एडवर्ब है 4 दिखाई दे रहा है, देन वी हैव टू गो विद द फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोज। वी हैव कंप्लीटेड ऑल द स्ट्रक्चर्स, सो गो थ्रू ऑल द स्ट्रक्चर वेरी सून। इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल एंड स्पोकन स्किल बोथ, एंड विद दैट आई एम गोइंग टू टेल यू वोकैबुलरी पावर, व्हाट एक्चुअली प्लेज इन आवर लाइफ, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। सो कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग। इफ यू लाइक अस प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।